गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज थर्ड लेक्चर है अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर। इस थर्ड लेक्चर में बेसिकली हम जो कवर करेंगे वो केमिकल इंजीनियरिंग का पंप से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, वो है NPSH। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि NPSH होता क्या है। अगर बात करते हैं NPSH की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बोलती है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड प्रेशर एट द पंप सक्शन माइनस लिक्विड वेपर प्रेशर। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी है पंप, पंप के सक्शन में जो भी लिक्विड है उसके प्रेशर से मेरा, अगर मैं लिक्विड के वेपर प्रेशर को माइनस करता हूँ तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए अगर मेरे को कैविटेशन को अवॉइड करना है तो। इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो हमारा टर्म है NPSH वो यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की तो वो मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में वेपर प्रेशर और कैविटेशन दोनों के बारे में कन्फर्म किया था, बट इवन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर मेरा कोई लिक्विड किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर है और मैं उसको बॉयल करता हूँ तो बॉयल करते टाइम क्या होगा, जो भी मेरा लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। और जैसा कि मेरा कंटेनर क्लोज है, जो मेरा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसमें जितना लिक्विड ऊपर जाके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही दोबारा कंडेंस भी हो रहा है। तो एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो जितना मटेरियल इवेपोरेट हो रहा है उतना ही कंडेंस जो हो रहा है उसके बराबर होने लगेगा। उस टाइम वो वेपर्स जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उस वेसल पे, उसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अगर हम बात करते हैं कैविटेशन की तो कल मैंने आपको बताया था कि पंप के केस में जो भी सक्शन लाइन में लिक्विड भरा हुआ है उसका प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर उस लिक्विड का, ये वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए अगर आपको कैविटेशन को अवॉइड करना है। ये देखिए NPSH, लिक्विड प्रेशर एट द पंप सक्शन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, दिस वैल्यू इज ऑलवेज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू अगर मेरे को कैविटेशन को अवॉइड करना है तो। अगर कैविटेशन को मैं अवॉइड नहीं कर पाऊंगा तो मेरे अंदर लिक्विड के बबल्स, वेपर के बबल्स जैसे बन जाएंगे और मेरा जो पंप है वो सक्शन छोड़ देगा। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ये एक वेसल है, नीचे एक पंप लगा हुआ है, यहाँ से ये सक्शन हो रहा है। और अगर मैं NPSH के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो यहाँ पे NPSH का मेरा फॉर्मूला रहेगा U1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन रो जी प्लस H माइनस ऑफ PV अपॉन रो जी। ये निकल के आता है बर्नौलीज इक्वेशन से, जो मैंने आपको अपने सबसे पहले लेक्चर में थ्योरम बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें सारी की सारी फ्लूइड मैकेनिक्स डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई आपसे कभी भी पूछता है कि NPSH क्या होता है तो आपको खाली एक लाइन में NPSH को डिफाइन करना है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, NPSH होता है मेरा जो भी पंप के सक्शन लाइन में लिक्विड का प्रेशर होता है माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो पंप में प्रेजेंट है। मीन्स सक्शन लाइन में जो भी मेरा लिक्विड है उसका प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, और ये वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी तो कैविटेशन हो जाएगा, और इसी पॉजिटिव वैल्यू को हम बोलते हैं NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। फ्रेंड्स, जो आज मैं सेकंड टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ सक्शन इन अ पंप। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो इस फिगर में एक वेसल है और इस वेसल के बॉटम में एक पंप लगा हुआ है और इसका डिस्चार्ज ऐसे दिखाया गया है। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी सक्शन लाइन है, ये वाली सक्शन लाइन, ये सक्शन लाइन हमेशा इस लिक्विड से भरी हुई रहेगी। ऐसा कोई भी केस जिसमें सक्शन लाइन, मेरी पंप की सक्शन लाइन हमेशा लिक्विड से भरी हुई ही मेरे को मिलेगी, इस केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव सक्शन। दोबारा सुन लीजिए, ऐसा कोई भी केस जिसमें पंप की सक्शन लाइन हमेशा फ्लूइड से भरी हुई रहेगी उस केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव सक्शन, और इस केस में एयर ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं या फिर कैविटेशन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपना जो सेकेंड टाइप है, निगेटिव सक्शन। अगर हम बात करते हैं निगेटिव सक्शन की तो ये आप देखिए इस डायग्राम में एक वेसल बना हुआ है और इसमें पंप हमारा ऊपर लगा हुआ है और ये फाइनली एक डिस्चार्ज कर रहा है बाहर।
तो इस केस में क्या है फ्रेंड्स, ये जो मेरी सक्शन लाइन है, ये जो मेरी सक्शन लाइन है, ये देखिए ये सक्शन लाइन, ये हमेशा मैक्सिमम चांसेस है कि ये लाइन मेरे को खाली ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सक्शन जिसमें मेरी जो सक्शन लाइन है वो हमेशा खाली मिलेगी, उस सक्शन को हम बोलते हैं निगेटिव सक्शन। ऐसा निगेटिव सक्शन हमें बेसिकली ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, जिसमें बड़े बड़े पॉन्ड्स रहते हैं और उन पॉन्ड से मटेरियल उठा के हमें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना रहता है। अब निगेटिव सक्शन को अवॉइड कैसे करते हैं? निगेटिव सक्शन में बेसिकली हमें बार बार प्राइमिंग करना पड़ता है। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या है, फुट वॉल्व, एक वॉल्व रहता है, इसको हम इस लाइन के बॉटम में इस पॉइंट पे हम लगाएंगे। इस वॉल्व को लगाने से क्या रहता है कि जो भी मेरी लाइन में एक बार मटेरियल सक्शन हो गया है, वो मटेरियल जब आप पंप बंद कर दोगे तो भी डिस्चार्ज नहीं होता है और लाइन जो है वो पूरी की पूरी मेरी पानी से भरी हुई रहती है। लेकिन फिर भी निगेटिव सक्शन पंप्स जो रहते हैं इनमें हमेशा बार बार आपको प्राइमिंग करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि निगेटिव सक्शन पंप्स वो पंप्स होते हैं जिनमें सक्शन लाइन बेसिकली मेरे को हमेशा खाली मिलती है, और पॉजिटिव सक्शन पंप्स मेरे वो पंप्स रहते हैं जिसमें सक्शन लाइन मेरे को हमेशा भरी हुई मिलेगी। और निगेटिव पॉजिटिव सक्शन जो भी रहेगा उसमें प्राइमिंग की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, जबकि निगेटिव सक्शन में हमेशा पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर कंजम्पशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर मैं आपको कोई भी पंप देता हूँ और बोलता हूँ कि ये पंप है इसका, जैसा कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया कि कोई भी पंप सेलेक्ट करने से पहले हमें उसको उसका फ्लो रेट पता होता है, हेड पता रहता है, कैसा मटेरियल वो हैंडल कर रहा है वो पता रहता है, तो बेसिकली पावर कैलकुलेट करने में उन्हीं फैक्टर्स का यूज़ होता है। अगर आप पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो पावर कैलकुलेट करने के लिए पी इज इक्वल टू फ्लो रेट इंटू रो डेंसिटी, जो भी मटेरियल हम हैंडल कर रहे हैं, इंटू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू हाइट ऑफ द मटेरियल अपॉन पंप की एफिशिएंसी कितनी है। कोई भी पंप जो रहता है वो 100% एफिशिएंट नहीं रहता है, और वो कितना उसकी एफिशिएंसी हमें मिलने वाली है ये हमें जो भी हमारा वेंडर है सप्लायर है वो हमें पंप के साथ में बताता है कि इस पंप की आपको इतने परसेंट एफिशिएंसी मिलेगी। तो फ्रेंड्स जो पावर है इसकी यूनिट बेसिकली रहती है वॉट, जो फ्लो रेट रहता है इसकी यूनिट रहती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच की यूनिट होती है मीटर, और एफिशिएंसी ये हमें जो भी वेंडर देगा ये वो वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। अब एक छोटे से एग्जांपल से हम इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर मैं आपको एक पंप देता हूँ जिसका फ्लो रेट है 68 मीटर क्यूब पर आवर, हेड मान लीजिए वो देता है 47 मीटर, डेंसिटी मान लीजिए वो पानी हैंडल कर रहा है उसकी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ग्रेविटी मान लीजिए उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एफिशिएंसी 90% है। तो अब हम ऊपर पावर वाले फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर दिखाया था, हम इस फॉर्मूले में इसको दोबारा रखते हैं तो आप देखेंगे P इज इक्वल टू फ्लो रेट 68 अपॉन 3600, क्योंकि मेरे को मीटर पर सेकेंड में चाहिए और ये दिया हुआ है मीटर क्यूब पर आवर में, इंटू हेड 47 मीटर, इंटू डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इंटू 9.8 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 0.9। तो ये जो वैल्यू मेरी निकल के आ रही है, ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरी 9667 वॉट। फ्रेंड्स ये याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हर एक चीज़ की जो यूनिट्स रहती हैं, लाइक फ्लो रेट की यूनिट हमेशा मीटर क्यूब पर सेकंड में होगी, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट मीटर, और एफिशिएंसी जो नॉर्मल एफिशिएंसी आपको दी जाती है, और जो भी पावर यहाँ से कैलकुलेट होके आपको मिलेगी उस पावर की यूनिट हमेशा वॉट होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी बंदा ये बोलता है कि मैं आपको एक पंप देता हूँ जिसका आपको फ्लो रेट पता है, एफिशिएंसी पता है, और आपको हेड पता है, तो आप इजीली उससे बोल सकते हैं कि मैं आपको मोटर की पावर कैलकुलेट करके देता हूँ कि इस पंप को चलाने के लिए मेरे को कितने किलोवाट की मोटर लगेगी। फ्रेंड्स ये जो पावर की कैलकुलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बिकॉज ये आपसे कोई किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ये पंप है इसका इतना फ्लो रेट है, इतना हेड है, तो आप ये बताइए कि हम पावर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने कवर्स किए, NPSH, टाइप्स ऑफ सक्शन, और पावर कंजम्पशन ऑफ अ पंप। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली कवर करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड अदर टॉपिक्स, जिसमें बेसिकली आएगा करेक्टरिस्टिक कर्व्स एक सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज वॉल्व क्लोज कर देते हैं और पंप चालू रहता है तो पंप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो एक इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एंड थर्ड वन कि आपका बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट या BEP किसे बोलते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।